सिलेक्शन ट्रायल चल रहे हैं अभी उत्तराखंड ब्लॉन्ड क्रिकेट टीम के, और ये है इधर B1 कैटेगरी सिलेक्शन कमेटी में हैं जयवीर, आशीष नेगी और पूजा गोस्वामी मैम हेल्प कर रही हैं। इधर फिटनेस टेस्ट रिम बल्लभ सर वो भी आए हुए हैं, यहाँ पर प्रेम बल्लभ सर भी हैं, ट्रायल चल रहा है, सब देख रहे हैं। अमन शिवम भैया पूरा सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं और हाथ पूरा लंबा कर रहे हैं, आपको सिर्फ गिरना नहीं है, हाथ लंबा करना है, ठीक है, तो वो चीज मेन है। चल सवा शिवम, चल 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 पूरा शिवम पूरा खड़ा हो, हाँ गुड, और राजन की निगाहें हैं पूरी काउंटिंग पे, उधर अविरल है। अच्छा अच्छा महाराज समझ ले, कुछ समय नोट करिए, अभी जनता है, जा जा जनता, चल 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 मेरा चल चल, टेक लगा के उठ रहा क्या सर ने अपनी साइड बदली, चलो बढ़िया बढ़िया भैया। पूजा गुसाई मैम क्रिकेट कोच, और ये आज B2 और B3 को प्रैक्टिस कराते हुए कैच की, और फिर चलो 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 अफजल लेट के चला गया, बढ़िया 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 चल निकल, चल 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 अब आगे को पीछे को पैर ऊपर मत उठा, चल चल शाबाश मदर, शाबाश मदर, चल चल भाई मदर, चल भाई मदर। टू मिनट्स ठीक है, चलते रहो सास, आपका तीसरा और लास्ट एलिमेंट है ना, साथ में इधर खड़े हैं आपके, देखो प्रेम बल्लभ सर भी खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं आपको, B2 B3 राजन है, अविरल सुमित सब हैं यहाँ, चल 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 सास, चल सास, मैं झुकेगा भी मैं गिरेगा भी, चलो चलो अमन बहुत बढ़िया, अमन बढ़िया 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 बढ़िया, नीचे टच करो हाथ से, हाँ चलो शाबाश बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो करते रहो करते रहो, चलता रहो शाबाश शाबाश शाबाश, चल 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 चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चल 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 सवा 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 सवा, B1 कैटेगरी महाराज और अनूप हाई नहीं करते हुए, महाराज
ओए शिवम सिंह नेगी B1 फुटबॉलर और साथ में क्रिकेटर। ये डाइविंग का हो रहा है B1 का। दोनों तरफ को जा रहे हैं अफजल भैया, आपको पता होना चाहिए ना, दोनों तरफ को जा रहे हैं अफजल भैया और पूरा रिदमिक जा रहे हैं दोनों तरफ को। बढ़िया और पूरे लंबे हो रहे हैं। बढ़िया उत्तराखंड के कप्तान मनदीप आर्य और अभी शटल रन के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया शटल रन है तो थक चुके हैं लगभग, अच्छा कर रहे हैं अभी तक। वो सर जिनके हाथ में हमेशा घड़ी दिखेगी। B1 कैटेगरी का आज D2 का सेशन पहला और अभी है हाइनी, आपको हाइनी करना है लगातार। चल रही है सिलेक्शन ट्रायल D2 और अभी हो रहा है B2 B3 का। B2 B3 का शटल रन हो रहा है आप देख सकते हैं। गौरव भट्ट और सागर B2 कैटेगरी के जो प्लेयर हैं। यह है B1 की डाइविंग। आपका नीचे वाला हाथ पूरा धरती पे होना चाहिए, वो देखो मुझे। हां यस गुड। और गेम तो बहुत सारा दो दिन का है। चलिए खैर मैं तो यही कहूंगा आप लोग ऐसे ही डिसिप्लिन बना के रखो क्योंकि गेम के साथ साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है और जिसका एटीट्यूड जैसा हो वही फिर आगे भी परफॉर्म भी वैसा ही वही कर पाता है बेहतर। तो परफॉर्मेंस तो खैर आपकी काउंट होगी लेकिन उससे पहले डिसिप्लिन जरूरी है क्योंकि हम लोगों की एक पहचान होती है कहीं भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले मेन काउंट वही करता है हमारा डिसिप्लिन। चलिए ठीक है, अच्छा कीजिए और आगे जो कैंप होगा उसमें उम्मीद करते हैं कि जिन लोग जो भी सेलेक्ट होंगे वो भी और जो नहीं भी होंगे वो भी डाइव करके फिर खड़ा होना। ठीक है रेडी। यह है B1 की डाइविंग। हाँ आपका एजिलिटी और एंडोरेंस देखना साथ में, पूरा खड़ा होना है। हाँ गुड गुड। आपका नीचे वाला हाथ पूरा धरती पे होना चाहिए, वो देखो मुझे। हाँ यस गुड। क्या था एक तो नेचुरल टैलेंटेड है, सोता रहेगा आगे अच्छा खेलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाता फिर वो, ठीक है ना। और मेहनत करके जो कई खिलाड़ी मैंने देखे बच्चे ऐसे थे कोशिश करते हैं हमें थोड़ा खराब हुआ और फिर भैया मौका दो मौका दो। तो जो सीखने की कोशिश करेगा और मेहनत करेगा कोई आज नहीं तो एक साल बाद दो साल बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए सर के साथ ग्राउंड में, ऐसे नहीं कैंप है तभी खेलना है। और थोड़ा सा जब खेलते हैं तो B1 देख रहे थे कैसे शॉट मार रहे थे आप लोग, कुछ पुराने तेज शॉट मार रहे थे नए बच्चे, थोड़ा वो देखें आप लोग की ये पावर गेम है ब्लाइंड क्रिकेट, ठीक है ना। आप लोग अगर पिच से ही बॉल नहीं हटा पाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो वो फिर आपको मेहनत करनी है कैसे अपना कैसे स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और हमारा गेम क्या है बॉटम हैंड तो हमें बहुत हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो आप लोग को अपना पहले तो स्ट्रेंथ B1 के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपनी और ताकत अपना गेम इंप्रूव करिए, चाहे भारी बैट लेके खेलिए चाहे जो करिए बल्ला तेज घूमना चाहिए। और बाकी पार्शली तो हमारा एक तो माइनस पॉइंट हमेशा ही रहा है कि जेन्युइन लाइंस होते हैं यहाँ पे, उसके लिए तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन जितना भी आप लोगों ने किया बहुत अच्छा किया, लगातार खेलिए तो उसी का फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। अब देख रहे हैं आपके ये गंभीर भैया और दीपक भैया इंडिया टीम में चले गए तो
वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए, गेम आप लोग का अपने आप इम्प्रूव होगा और इनसे सीखने की कोशिश किया करिए। अब हम लोग तो रहते नहीं ग्राउंड में, इनको देखिए कैसे खेल रहे हैं, कुछ इनसे टिप्स दिया करिए, भैया कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे सीखें, शॉट कैसे डेवलप करने हैं, एक ही तरफ मतलब नहीं मारते रहना है कि बस टांग पे बॉल आ रही, लेग में घुमाते जा रहे हैं बस एक ही जगह, तो वहाँ तो रन ही नहीं मिलेंगे आपको। तो अपने गेम मतलब किसी भी, चाहे साइटेड क्रिकेट हो चाहे ब्लाइंड क्रिकेट, आपको गेम कम से कम चारों तरफ खेलने का वो होना चाहिए एक्सपीरियंस। की एक बॉल रिफ्रेशमेंट टाइम चल रहा है, तो नाम विपिन, विपिन ये है कप्तान साहब, अभिषेक ले आओ, अभिषेक हाँ विपिन ओके, और उसके बाद है विपिन अश्विनी, ये स्पॉन्सर है, फुलंदी मार के बैठे हैं हमारे डेस्क के स्पॉन्सर्स रहते हैं अलग अलग, तो आज प्रेम बल्लभ सर हैं। और बाकी जयवीर भैया हैं, आशीष भैया हैं, सिलेक्शन का जो सिलेक्शन की जिम्मेदारी थी वो हम तीनों को दे रखे थे, आशीष भैया, जयवीर भैया और मैं। एक चीज़ आपको बोलूँगा कि जो क्राइटेरिया है, जैसे आशीष प्योरली गेम देख रहे थे, बाकी सब ओवरऑल सब कुछ देख रहे थे, लेकिन गेम क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप खेले हुए, गेम की बारीकियाँ वो सब देख रहे हैं, मैं गेम और ओवरऑल फिटनेस और वो सब देख रहा था। आशीष जयवीर भैया टोटली जो मैनेजमेंट है जैसे टीम का, और अगर आपको ऐसा लगता है कि दो दिन के उससे आपका बिहेवियर में कुछ चेंज आने वाला है, कुछ है नहीं, सब पे नज़र रहती है, आप कहाँ पर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वही चीज़ें काउंट होती हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। ओवरऑल अगर कैंप की बात करें तो कैंप बहुत अच्छा रहा हमारा, और इस बार मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि सब लोग रेगुलर यहाँ पर थे, है ना, तो सब लोग यहाँ पर रहे, उसके लिए एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है। तो इससे पहले कि हम लोग टीम में जाएं, सबसे पहले मैं एज सेक्रेटरी बुलाता हूँ अमन को, अमन उसके बाद फिर हम टीम के उसमें। सबसे पहले तो पूजा मैडम का वेलकम है, पूजा मैडम हम लोग बीच में सुबह से मालूम है नेशनल वुमन नेशनल खेली है, इंटर स्टेट खेली है, यूनिवर्सिटी खेली है ना, और अभी टीचर भी हैं, स्पोर्ट्स टीचर एज ए टीचर है, कोच हैं, तो मैडम आपको बहुत बहुत वेलकम। तो बढ़िया रहा कैंप, कैसा रहा पहले बताओ? बढ़िया, मजा आया सबको ट्रायल में? बिल्कुल, दो दिन का ट्रायल था बेसिकली, वैसे होता है एक दिन का इतने बच्चों में, लेकिन दो दिन इसलिए था मौसम के थोड़ा दिक्कत थी, तो इसलिए हमने थोड़ा ट्रायल को बढ़ा लिया था ना। अब जो है कैंप जो तुम्हारा लगेगा वो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली 21 या 26 के बीच में कोई भी डेट हो सकती है, तो जो जो सेलेक्टेड प्लेयर होंगे 20 प्लेयर का वो अपना पहले ही तैयारी करके आए वहाँ से बैग वैग लेके, क्योंकि हो सकता है 8 या 9 को जो भी डेट हमारी फिक्स होगी हम यहाँ से सीधा पौंडीचेरी के लिए मूव करेंगे, ठीक है, नेशनल के लिए। कहाँ है हमारा नेशनल? पौंडीचेरी। क्या है वहाँ पर लीग मैचेस है ना? यस, ग्रुप डी में हम लोग उत्तराखंड, उसमें कौन कौन सी टीम है? हरियाणा, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, एमपी और पौंडीचेरी, ठीक है, और उसके अलावा 6 ग्रुप है ABCDEF, है ना, तो हमारी ग्रुप डी में है टीम, और इस ग्रुप से जो है जो पहले जो क्वालिफाई करेगी 4 टीमें वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई करेगी, उसके बाद जो जो सेकंड नंबर की टीम होगी उसको जो 8 जो 6 ग्रुप में से एक टीम जो सेकंड टीम होगी उनमें से फिर 4 टीमें फाइनल निकलेंगी जो क्वार्टर फाइनल के लिए जाएगी, यानी हमें फर्स्ट के लिए खेलना है, सेकंड के लिए नहीं खेलना है, ठीक है ना, अगर सेकंड के लिए जाओगे तो फिर और एक और स्टेप आपको फिर पार करना पड़ेगा। तो अभी सर जो है नया सर आपको टीम बनाएंगे, आशीष भैया और जयवीर भैया ने जो नया सर के साथ मिलकर जो आपको टीम का चयन किया था, और हमारे बीच में जितेंद्र डिमरी जी भी आ गए हैं जो कल परसों, ठीक है ना, तो JD भी यहाँ पे है, तो बाकी नया सर आशीष और जयवीर जो है फाइनल करेंगे, ठीक है, थैंक यू अमन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो कल आप लोगों ने जीतू भैया को सुना था, तो आज मैं सिलेक्शन और उसके लिए सबसे पहले जयवीर को बोलूँगा कि जयवीर आप थोड़ा सा सर मैम, अभी तक मैंने सीज़न नागेश के खेले
कैंप जितना भी यहाँ पर लगा है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस टीम में रहते हैं और यही उम्मीद होती है कि जो भी खेलते हैं सब अपना बेस्ट परफॉर्म करें और अच्छे से अच्छा हम खेलते हैं। लास्ट टाइम हम एक लेवल ऊपर हुए थे, क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे थे। हमारे ग्रुप में एमपी की टीम जो सबसे टफ मानी जा रही थी उसको हराया था और इस बार भी है हमारे साथ इसी ग्रुप में, और उसके अलावा दो टीमें और चारों टीमें वो काफ़ी अच्छी हैं, इस बार और बेहतर परफॉर्म करना है। और प्रैक्टिस कैंप की जहाँ तक बात है, जो मैनेजमेंट की तरफ से जितना जोर लगाया जाता है वो काबिल तारीफ होता है हर बार, और इस बार भी रहेगा ऐसी चीज़ भी जितना जोर आरबीआई की तरफ से होता है और सर जो प्रैक्टिस में जोर लगाते हैं, तो उसको देखते हुए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्लेयर्स की ये जिम्मेदारी है कि जब इधर से हमारे लिए इतना जोर लगाया जा रहा है, कोच सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अमन भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेगी भाई मेहनत कर रहे हैं, तो प्लेयर्स का दायित्व है कि उसको जितना हो सके ऑब्जर्व करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करें और अपने आप को निखारने की कोशिश करें। थैंक यू। जब भी इस ग्राउंड में कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर आता है आप लोगों को, मैं हमेशा वही चीज़ बोलता रहता हूँ कि कद्र करो उनके अनुभव की और उससे सीखो। कद्र करना मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान डालना वो करना, लेकिन उनका इतना एक्सपीरियंस है और वो चीज़ सीखो। अलग अलग सरफेस पे खेले हुए हैं वो लोग, अलग अलग सिचुएशंस पे खेले हुए हैं, वो चीज़ सीखना चाहिए क्योंकि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। हालांकि हमने सब ने मिलकर वो किया था टीम के जो प्रोबेबल्स हैं ये वो बता रहा हूँ मैं, प्रोबेबल्स मतलब जो 20 के जितने भी हैं वो बता रहा हूँ, और उसके बाद में फिर कैंप कब से लगेगा क्या लगेगा वो आपको सेकंड में बताएंगे, फिर से अमन बताएंगे। ठीक है, तो पहले मैं अमन बता दूँ कि हाँ हाँ ओके बी वन में पहले आ रहा हूँ। ठीक है, जिसका नाम ले रहा हूँ हाथ ऊपर कर देना एक बार ना। अफजल से भी हम बीच में बुला सकते हैं, तो अपना जो है फिटनेस बराबर करते रहे और बेसिक जो इसमें हमने देखा है वो मेन फिटनेस देखा है। ठीक है ना, तो जिसका फिटनेस लेवल जो देखा है इसमें बेसिक है और उसके अलावा अपना तैयारी करते रहो। हो सकता है अभी बीच में कैंप जो हमारा 21 से या 25 मैंने जैसा बताया 21 या 25 में से जब भी होगा आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप भी बता दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, है ना। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं जितने भी ये अपनी तैयारी के साथ आए जब कैंप में आए, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा घर में जाने का, कपड़े लाने का, ये लाने का, कुछ जो आप सोचते हो ये सब चीज़ें चाहिए। अपने सर्टिफिकेट सबके पास हो, जो जो फोटोग्राफ सबके पास हो, ठीक है ना, अपना आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें अपने साथ रखनी है, अपने कैरी बैग, अपने सॉक्स शूज जो होती है बेसिक चीज़ें, अपनी किट बॉटल जो भी सब कुछ होता है वो सब अपने साथ कैरी करना है सबसे, ठीक है।
उसके अलावा तो किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। यहाँ पर पूछना है किसी ने कुछ? ये है अभी हमारा पोस्टर लग चुका है सिलेक्शन ट्रायल का। सब दिख रहे हैं ना? अरे सर बहुत बढ़िया। सब दिख रहे हैं बोलो। अरे